पता नहीं इसको कितने थप्पड़ लगे होते। आज फुल है गाड़ी। अरे अरे मेरे पापा का जन्मदिन है। मैंने कहा पापा मुझसे 10,000 ले लो यार। तनी भाई क्या इशारे कर रही थी वो। सगन वाला कार्ड भी ले लिया। तो अभी हम दिखा देते आपको कि कलर कौन सा। उनको पता चल गया केक के बारे में। इधर शक्ल दिखाओ अपनी। हेलो। वीडियो लेट पहुंची है। एक घंटा लेट का कितना पैसा कटेगा? ऐसे कैसे हमसे तो जैसे दिन खत्म होता है तभी पैसे मांगने शुरू कर देते हो। जब आप लेट आते हो उसके तो पैसे तो कटते हैं ना। पैसे कटते नहीं। फिर मेरे को 10 दिन तो देने चाहिए थे ना फीस जमा करने के। जिम करके घर आ गया था मैं। Hey, what's up guys and welcome back to another vlog. I hope सब लोग बढ़िया होंगे। अगर नहीं हो तो जल्दी से बढ़िया हो जाओ यार। बढ़िया हो ना अगर तो कमेंट में ना जोर से चिल्ला के बता दो कि बढ़िया भाई इतने बढ़िया इतने बढ़िया। ओवर एक्टिंग के ना मेरे खुद 50 रुपए काटने पड़े। अभी हम चल रहे हैं सामान लेने के लिए। वालों ने कुछ ऑर्डर करा हुआ है वो मेनू लेके आने। तो आप जा रहे हैं स्कूटी ते जा रहे हैं आप। आगे बात बताओ ना, मेरे को पापा ने बोला कि स्कूटी हो गई है सही। बेसिकली हमारे काम के लिए यूज होती है तो मोस्टली कभी वर्कर के पास होती है तो कभी किसी के पास होती है। सो मैं अभी आया था, पापा का खाना वाने का था उनका आज बाहर का, तो मैंने बोला ले आता हूँ मैं ही जाके। वो बैठे हुए थे रेस्ट कर रहे थे। बाकी मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मेरे को पापा ने बोला था कि भाई स्कूटी एकदम सही हो चुकी है, इसके सब सही हो गया। मतलब पहले ब्रेक्स वगैरह में इसमें दिक्कत थी, भाई कुछ सही नहीं हुआ। और स्कूटी ऐसी आवाज कर रही है जैसे पता नहीं इसको कितने थप्पड़ लगे होते। एनीवे बाइक ले आता ज्यादा बेटर रहता, लेकिन यार हल्की फुल्की सी ऐसे मतलब बड़ा मजा आता है स्कूटी चलाने में। भाई ये चेक करो कितना मतलब ऐसे हल्की फुल्की सी चीज ना ऐसे चलाने में इतना मजा आता है ना। और यहाँ की रोडे भाई ऐसी हो चुकी है ना कि मैं बता नहीं सकता। तुम इसकी आवाज सुना तो रुको, ये देखो आवाज आ रही है कुछ स्कूटी से। हाँ ये भाई ये बोल रहा था मैं, पता नहीं क्या सही कराया हुआ है, बताता हूँ घर जाके पापा को। मैंने नहीं फीडबैक दिया, सामने से पापा मेरे को पूछ रहे थे कि भाई कैसी चल रही है स्कूटी। मैंने बताया फिर उनको, कहते उस स्टैंड की टक टक की आवाज आ रही है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं कुछ और दिक्कत है, चेक करा लेना एक बार। आज फुल है गाड़ी। अरे 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 तो कल तो स्लीपर करना था। डन 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 डन। ओ भाई एज यू हर्ड द कॉन्वर्जेशन ऑलरेडी कि मैं टिकट करवा रहा हूँ। उससे पहले मैं तुम लोगों को एक बात बताऊँ, तो आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है, मेरे पापा का जन्मदिन है। तो सीन ये है कि मैं इस तरह ही बोलूंगा ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए केक लाऊं, और मेरी शक्ल की हालत देखो मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद। केक लेके आएंगे, शाम में कटिंग करेंगे, आज पॉसिबल तो नहीं है जाना। तो बेसिकली मेरा एक शूट है जिसके लिए मेरे को चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। तुम्हें व्लॉग्स में पता लगता जाएगा साथ साथ में कि क्या चल रहा है। पहले हम केक लेने जाएंगे क्योंकि आज संडे और जिम तो छुट्टी है भैया। तो यार देखो पहले चलेंगे ना बाइक की वॉशिंग कराने के लिए, क्योंकि पता क्या बहुत बहुत गंदी हो रखी है बाइक। और इसके बाद ना पापा के लिए चलेंगे केक गिफ्ट और ये सब चीज़ें लेने के लिए। ले कहते मेरे को पापा भी कहते मैं आपके बर्थडे पे आपको पैसे देता था, आप नहीं दोगे कुछ मुझे? मैंने कहा पापा मुझसे 10,000 ले लो यार, और बोलो क्या दूँ मैं आपको। अभी हम यही करेंगे। एक तो मैं सोच रहा हूँ पापा को कैश दे देता हूँ, पापा ने जो करना होगा कर लेंगे उसका, या ऐसे कर लेते हैं यार है ना, कैश दे देते हैं पापा को। पापा का फ़ोन देने का सोच रहा था, लेकिन सीन ये है कि आई डोंट थिंक यार पापा को इतना इंटरेस्ट वगैरह है फ़ोन में। हाँ शुक्र है खुल चुका है भाई, मेरे को शॉर्टकट पड़ता है यहाँ से थोड़ा। पहुँच चुके हैं हम ऑलरेडी, यहाँ पे रश लगा हुआ है। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। तो अभी बाइक वॉश हो रही है यहाँ पे, जब तक तब तक हम ऐसे बैठे हुए हैं। ओ शिट यार कैमरा ऑफ था। एक लड़की मिली थी अभी अभी और मुझे नहीं पता, बस रैंडमली रुक गई थी। तनी भाई क्या इशारे कर रही थी वो। तो वो यार मेरे को लगा रिकॉर्ड हो गया और यार सारा कंटेंट निकल गया। यार कोई बात नहीं छोड़ो, अभी हम केक लेने जा रहे हैं। तो मैं बता रहा था तुम लोगों को कि सिटी के बीचों बीच रहने का एक ही डिसएडवांटेज है, दैट इज ट्रैफिक। तो अभी ये सीन है कि यहाँ पे मैं बता रहा था तुम लोगों को जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वो ये था कि भाई 7th Avenue की यहाँ पे एक ब्रांच है, नाम से स्कूटी नहीं मोड़ी जा रही। इट्स ओके मैम, इट्स ओके ओके। हेल्प कर दो भाई उनका बर्थडे। वो बंद तो नहीं है शॉप? लक्षण तो बंद वाले लग रहे हैं मुझे। कहाँ गई शॉप इसकी? खुली है, शुक्र है खुली है। सो दिस इज द शॉप।
दैट आई वाज टेलिंग यू गाइस अभी खोलते पुल लिखा है पढ़ के खोला करो गाइस बेइज्जती हो जाती है नहीं तो ज़्यादा बंदे हैं नहीं खाने के लिए बस ऐसे केक कटिंग हो जाए ये वाला दे दो यार ये बढ़िया लग रहा है चॉकलेट उनको पसंद आएगा तो भैया ये सेवन सेवन से आते क्या केक सारे है ना बिशकारे मार रही है और इसकी ना पीछे से ज़्यादा अच्छी वो आती है लुक अगर तुम लोग देखो तो इसकी नहीं इसकी वाइजर डाउन कर लेता हूँ ऐसे बात करने में आसानी हो जाती है फिर मुझे नहीं पता यार मैं ऐसा ना पापा को शॉपिंग कराने बाद में ले जाऊँगा कभी उसका भी व्लॉग में डाल दूंगा मैं तुम लोगों को रिएक्शन वगैरह क्योंकि मेरे मॉम डैड काइंड ऑफ कैमरा शाय हैं बहुत ज़्यादा मेरी मम्मा ने करी हुई है मॉडलिंग अपने टाइम पे कि मैंने पुरानी पिक्चर्स देखी थी एल्बम में विच मैं तुम लोगों को भी दिखाऊंगा फिर कभी किसी व्लॉग में तो काइंड ऑफ मेरे को अब समझ आता है कि मेरे को वो कीड़ा कहाँ से आया ये वही होता ना कि भाई फैमिली में एक आधे बंदे को कीड़ा हो तो बंदा फिर आगे वैसे ही रहता है तो वो सब चीज़ें मैं तुम्हें फिर कभी दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगा अभी हम फटाफट से घर चलते हैं राइट नाउ आई एम गोइंग टू ATM और समझ नहीं आ रहा कुछ मैंने मम्मा को बताया मम्मा कहते हैं कि पापा आई विल नॉट टेक द मनी ऐसा तो मेरे को समझ नहीं आ रही अब मैंने एक सगन वाला कार्ड भी ले लिया है देख रहे हो हाँ जी जनाब क्या हाल है इस प्लान में चेंज आ चुका है मैं कैश नहीं दे रहा कि भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा यार बड़ा टफ डिसीजन था जो भी आपके तक आया है दिमाग ख़राब हो गया बस क्या हो गया ये देखो गाइस कितना पतला हो गया ये डॉगी को ये वाले नहीं काटते वो कुछ ज़्यादा ही वैरायटी बंदे थे उन्होंने काट दिया भाई देखो कुछ क्या ही सेक्सी लग रही है भाई प्लान में आया चेंज गाइस हम अब जा रहे हैं फ़ोन देखने के लिए क्योंकि उनको फ़ोन भी चाहिए था और मैं अच्छा नहीं लगता पापा को पैसे देते हुए यार मेरे को दो सेकंड मतलब ऐसा लगा मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार क्या मेरे को ऐसा डाउट हो रहा है अभी भी कि ना उनको पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा उनका क्या रिएक्शन रहेगा तो मैं अभी जा रहा हूँ अपनी फ्रेंड की शॉप पे बाइक के लिए जगह मिल जाए बस कोई यहाँ पर लगा देते हैं दो सेकेंड के लिए होपफुली कोई माइंड ना करे ऐसे VIP एंट्री को तो अभी अंकल ने मेरे को पूरी की पूरी गाइडेंस दी है तो अभी हम दिखा देते हैं आपको कि कलर कौन सा है ये है कलर और बहुत प्यारा फ़ोन लग रहा है यार और उनका पहला वाला भी रियलमी था तो इसलिए मैंने उनको रियलमी दिया क्योंकि उनके UI में उनको नहीं तो चलाने में दिक्कत आती थोड़ी सी तो फ़ोन आ चुका है हमारे पास इसमें डला हुआ फ़ोन अभी सीन ये है कि यार देखो मैं पापा को आईफोन तो गिफ्ट कर देता लेकिन ना पापा को आईफोन का कुछ नहीं चलाना आएगा तो ये ठीक है हैंडी है फ़ोन और काम भी हो जाएगा उनका इससे और सबसे बड़ी बात है उनको स्टोरेज की दिक्कत आती थी जो कि पिछले फ़ोन में थी शायद 32 GB थी शायद से और इस फ़ोन में भाई 128 GB है तो देयर आर लॉट ऑफ मेमोरी अभी ऐसा वो डाल सकते हैं उनको कुछ दिक्कत नहीं आएगी चलेगा उनका मसूर मैं नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा सा फर्स्ट टाइम मैं उनको कभी कुछ ऐसा गिफ्ट करने वाला हूँ चल गया केक के बारे में दिस इज द केक और अभी मैं कैंडल्स जला रहा हूँ सीन पता क्या है उनको गिफ्ट के बारे में नहीं पता आई एम वेरी एक्साइटेड हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू गाइस पिन्नू भी आया है पिन्नू तेरे लिए केक लाए हैं हाँ क्या चाहिए काटो पापा कितने साल बाद केक काट रहे हो आज मैं हाँ मैंने कभी काटा ही नहीं हैं सच में नहीं काटा इन्होंने पहले ऐसे ऐसे करके काटने ना ओए होए आराम से थोड़ा सा उठा लो निकाल लो हाथ से पकड़ लो मम्मा को खिलाओ क्या बात है इसे रहने दो इसे तो हम वैसे भी अडॉप्टेड है तो गाइस इतनी सेलिब्रेशन थी हो गई हमारी सेलिब्रेशन जो भी थी पापा को हमारे गिफ्ट गुफ्ट चाहिए होते नहीं हैं तो हम ऐसे निपटा देते हैं जीजे ये मेरी साइड से मम्मा की साइड से और आयुष की साइड से थैंक यू खोलो भाई अभी वो ऐसे खुलेगा खुला ही है शायद से रुको अच्छा छोड़ो छोड़ो कलर मैंने आपके पसंद का ही लाया है क्योंकि आपको पसंद आता है नहीं कोई और पीछे से देखो
इसमें 128 GB स्टोरेज है, इसमें सब कुछ है, इसमें ज़्यादा वो है। सुनामी की चार्ज चाहिए? इसमें हम सोच रहे थे आपके लिए नोकिया का फोन ले लेते हैं, कीपैड है। उधर नहीं पड़े रहते हैं, वही तो चक्कर है, उधर नहीं पड़े रहते उसके बाद में ये हो गया खत्म। चलो अब वो है आपका। नहीं क्या? नहीं नहीं तो मुफ्त में आपको बाजार में चीजें मिल जाती हैं क्या? आपको दे देते होंगे लोग, पता नहीं, हमें तो नहीं देते। बढ़िया यार फोन है। नहीं फोन से ठीक है, रखना जहाँ जिस चीज कोई जोर को है ना बंदे। तो पापा ने फोन ले लिया है, इतना ज्यादा उन्होंने मतलब उनको था कि मेरे को नहीं चाहिए ये वो वहाँ, सब पेरेंट्स का एक ही हाल होता है, ठीक है। कैमरा पे मुझे पता था उन्होंने रिएक्शन देना है, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने अच्छा खासा रिएक्शन दिया है, हम लोगों को दिख गया होगा थोड़ा बहुत। अभी सीन ये है कि उनको मैंने पूरा फोन सेटअप कर दिया, ये वाला जो फोन है ना ये रख लिया हमने, सेकेंडरी फोन चाहिए था एक, तो हो गया अपना काम। तो वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है जिम में और ये सब चीजें होती है, तो उस चक्कर में मेरा ये वाला फोन फ्री नहीं होता, और गोप्रो का भी अलग सीन रहता है क्योंकि उसमें इतने एस्थेटिक्स ले नहीं पाता मैं। अभी एक अपडेट दूं तो मैं अभी क्लाइंट्स को उनको कपड़े शॉर्टलिस्ट करवा रहा हूं अपने, जो उनको चाहिए है, लाइक जो शूट है। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मीट एंड ग्रीट रखूंगा पक्का, स्टोरी डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे और पता लग जाएगा सबको। ये व्लॉग आ जाएगा कल सुबह, मतलब जब आप ये व्लॉग देख रहे हो ना उसके अगली सुबह मैं चंडीगढ़ हूंगा, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मैं स्टोरी पे बता दूंगा, इंस्टाग्राम पे चेक करते रहना कि मैं कब आ रहा हूँ। तो मुझे मिलने आ जाना, मेरे को इस बार कोई कंप्लेन मत करना कि भाई आप आए और आप मिलके नहीं गए। ये पता मैंने ये वाली जीन है एक रिब्ड और ली भी मैंने देखो कहाँ से है, मैं ना ज़्यादा उड़ूंगा नहीं। तो प्रॉब्लम पता क्या हुई उसके बाद ना, ये नैरो वाली जो जीन्स थी ना उनका ट्रेंड ख़त्म हो गया भाई, और मैं ऐसा हो गया, मैंने कहा भाई अब इसको क्या करूँ, अब इसको शॉर्ट्स बना दूँ, मैंने कहा नहीं भाई करेंगे इसको भी करेंगे, कुछ नहीं हो पा रहा, तब से वैसी की वैसी पड़ी है। तो मैं बोल रहा था ना मुझे नहीं पसंद आती ये वाली जीन्स, ये देखो इसीलिए नहीं पसंद आती, कैसे कैसे अजीब अजीब से ट्रेंड थे, मैं फोटो भेजना तो भूल ही गया। तो आई एम डन, ऑलमोस्ट डन हो चुके सारा पैकिंग का, सोचा था मैं बाल भी कटवा लूंगा लेकिन वो नहीं हो पाया, लेकिन इट्स ओके पैकिंग हो गई है। प्रोटीन का डब्बा मैंने, मतलब एक मेरे पास ग्लूटामिन का डब्बा था उसमें मैंने प्रोटीन भर दिया पूरा ऊपर तक, तो जितने दिन भी रहूँगा मैं तो मेरी रिक्वायरमेंट जो होगी अगर इसकी तो हो जाएगी पूरी वो, बाकी मैं अभी अपनी बॉडी पे ध्यान रख रहा हूँ पूरा, मैं नहीं चाहता कोई मसल लॉस हो क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, समझ नहीं रहे हो तुम। अभी सीन ये है शायद कल मैं हेयर कट भी करा लूँ, शायद कुछ पक्का नहीं आ सकता, अगले ब्लॉग में पता लगेगा आपको क्या चल रहा है सारा सीन। बाकी मेरे साथ एक फ्रेंड भी ज्वाइन करेगी, जम्मू से जा रही है वो, और हम सब लोग अपनी दोस्त लोग डिग्री लेने जा रहे हैं और शूट का भी सीन है। अब तुम लोगों को इतनी खबर पहुंच गई, बाकी अगले व्लॉग में पता लग जाएगा क्या चल रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया, हुल्ले हुल्लारे मचाना मत भूलना, आई लव यू बोल देना, आई लव यू एक और बार, चलो बाय बाय। फलक तक चल साथ मेरे।